राजस्व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने शुरू में ही सारी बातों की जानकारी दे दी और बिहार सरकार के मुख्य सचिव ने भी बहुत सारी बातें कही और हमारे जो माननीय मंत्री राजस्व भूमि सुधार विभाग हैं उन्होंने इन सब बातें बता दी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी तेजस्वी जी ने भी बहुत सारी बातों की जानकारी दे दी है। तो अब जो सबसे बड़ी बात है कि अब आप समझ लीजिए कि अब तो नई सरकार का आज 41वां दिन और आज इतने बड़े पैमाने पर लोगों को नियुक्ति पत्र जारी किया जा रहा है, ये बात समझ लीजिए। चाहते हैं कि अधिक से अधिक नियुक्ति हो और राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो काम है आप जानते हैं कि इसमें जमीन के विवाद को लेकर सब तरह का की घटनाएं घटती और जब हम जनता के दरबार का कार्यक्रम 2006 में शुरू किए और जब एक एक बात को जो सुनते रहते थे एक दिन जितने लोग आते थे मिलने के लिए, क्या बताएं साहब, 70% लोग राजस्व भूमि सुधार की समस्या को लेकर के आते थे और 11 में भी हमने कानून बनाया कि इसको जल्दी से जल्दी किसी चीज के डिस्पोजल के लिए काम हो और जो 2009 में ही हम लोगों ने कानून बनवाया। किताब बहुत तरह का जो आपस का झगड़ा है और वो लोग कोर्ट में जाते हैं और बहुत दिन से पेंडिंग रहता है, तो उसी में हम लोगों ने कुछ जरूरी चीजों के लिए नीचे के स्तर पर जो कानून बनाया अब उसकी आधार पर जो काम शुरू किया तो काफी तेजी से काम हुआ, बहुत लोगों के समस्या का समाधान है। 18 तक तो चलता रहा लेकिन कोर्ट के ऑर्डर से कुछ रुक गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको मान लिया कि सही है जो चल रहा है, तो बाद में फिर 2020 से ये सारा काम आगे चल रहे हैं लोग और अब तो और ज्यादा लोगों का आने लगा है। तो सबकी जो समस्या का समाधान हो सकता है ये होना चाहिए और जमीन का विवाद जब आपको शुरू में बता रहे हैं कि शुरू में जो देखते थे, अब आप अगर कभी किसी आंकड़ों को देखिएगा तो हम तो पत्रकार मित्रों से सब दिन हम कह देते हैं कि सब चीज को देखिए ना, खाली दिल्ली वाला प्रचार चलता रहता है बिना मतलब का। आप जरूर से देख लीजिए कि जो सबसे अधिक जो हत्या होती है, जितनी भी हत्याएं बिहार में होती है 60% जमीन के विवाद को लेकर के, भूमि के विवाद को लेकर होता है। अब इसलिए हम लोग तो शुरू से चाह रहे हैं कि भाई जल्दी से हो जाए और तेजी से काम हो, किसी तरह का विवाद नहीं हो, बहुत कम लोग थे तो हम लोगों ने चाहा था कि होना चाहिए। तो जब सर्वे सेटलमेंट का भी काम किया है तो सर्वे सेटलमेंट का भी काम जितना तेजी से हो जाएगा, अब क्या कीजिएगा, 9 साल भी किया, हम तो चाहते थे 5 ही साल में हो जाए, अब अगला 2 साल है तब उसमें सर्वे सेटलमेंट का यही ठीक को जिम्मेवारी दिया है तो उसमें इम्प्लॉयज की कमी थी तो जितना कहा इन लोगों ने हम लोग इम्प्लॉय किया, हम तो कहेंगे और लोगों को इम्प्लॉय कर बहाल कर दें, लेकिन सर्वे सेटलमेंट का काम देखिए सुबह ही न भाई कितना सर्वे हुआ है, 80 सर्वे हुआ है, पहली बार यहां पर हुआ, ये सारा काम किया गया। अब उसके बाद नीचे के स्तर पर अभी तो आपको बता रहे थे ना भाई, मुख्य सचिव ने भी कहा जो सबसे बड़ी बात है कि जो देख लीजिए कि जो समस्या का समाधान है तो वो तो सारे हमारे अधिकारियों को देखना है। अब नए तौर पर आपकी बहाली हुई है तो आप सब लोगों का स्वागत है, खुशी प्रकट कर रहे थे, हंस रहे थे, एक आधे को खाली कम हंसती है, बहुत बहुत धन्यवाद, हंसने लगी। तो इसीलिए हम इतना ही कहेंगे कि इस तरह से सब जगह आप लोग जो काम करिएगा तो लोगों की समस्या को देखिएगा और हम तो फिर डिपार्टमेंट तो कहे ही आपने कि भाई जो बचे हुए उनको भी हम कहेंगे कि भाई बाकी का भी बहाली बहुत जल्दी कर दी छोड़िए मत, क्योंकि आपको तो करते ना हर एक पंचायत में, तो इसलिए एक एक और बहाली जो बचा हुआ है करीब 2700 के करीब तो उसका भी बहाली जल्दी कर दीजिए ताकि आपस में किसी भी तरह का कोई समस्या आ जाए
और उस समस्या को सुनने के लिए जानने के लिए एक तरह से योग हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके अलावे आप सब लोगों को हम एक ही बात कहेंगे, सर्वे सेटलमेंट का काम चल रहा है तो 2 साल के अंदर वादा है कि हो जाएगा 2024 तक। हम तो आग्रह करेंगे कि भाई उसमें भी जरा तेजी से कीजिए, जिस दिन फ्रेश सर्वे और सेटलमेंट हो जाएगा तो कौन जमीन है, किसकी जमीन है, ये फाइनली एक बार फिर हो जाएगा बहुत अच्छे ढंग से, तो विवाद बहुत कम जाएगा। आप समझ रहे हैं किस तरह की हत्याएं होती है, क्या होता है? लोग तो बहुत तरह की बात आजकल बोलने लगा है, तो ये घटना घट रही है, तो वो घटना घट रही है, लोगों को कुछ पता है? अरे घटना तो दुनिया भर में घटती, कोई भी आदमी होता है तो उसका हर आदमी तो सब ठीक नहीं ना होता है, कुछ ना कुछ तो घचपच होता ही रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता है, तो उसके लिए तो उसको गिरफ्तारी होती है, सब तरह की बात होती है, ये सारी बातें होती है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसे ही मन है कि कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो जरा देख लीजिए ना कि हम लोग चाहते हैं और इतने दिन से हम लोग कोशिश करते रहे, तो ये सब काम हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए समस्या का कितना बड़ा समाधान होगा। और आप अब समझ लीजिए कि आप लोगों का तो जितने भी है राजस्व कर्मचारी पंचायत, अब ये सब लोग आप लोग जो काम करिएगा तो मुझे तो बहुत अच्छा है। आप सोचिए ना कि एक एक राजस्व कर्मचारी को 8-10 हल्के पंचायत का प्रभाव, इसलिए कहां से काम कर सकते थे? 8-10 पंचायत में कोई जाकर के काम करेगा, नहीं होता था। अब हो गए तो बच के अब भी करा दीजिए ताकि प्रत्येक पंचायत का काम आप देख रहे हैं। हमको इसलिए इतना ज्यादा महिलाओं के लिए हम रिजर्वेशन करते रहे, अब आ जाती है महिलाएं पूरा उत्साह के साथ काम करती है, और जो हम बताइए महिलाओं में कितनी जागृति है, जब हम पूरे इलाके में जीविका समूह जो हमने बनाया और उसमें महिलाएं अब कितना बढ़िया काम कर रही है, कहीं कहीं जाकर के देखिए कि जीविका समूह की महिलाएं क्या काम कर रही है, कितना अच्छा काम कर रही है। तो एक एक तरह से, और महिलाओं को जब किसी चीज में, आई बिहार पहला राज्य है जी जब भी पंचायत के चुनाव में, पंचायती चुनाव में और उसके अलावे नगर निकायों के भी चुनाव में हम लोगों ने जो दिया 2006 में, उसका 2007 में पंचायत महिलाओं के लिए 50%, तो ये तक कहीं नहीं था, कुछ राज्य में बाद में किया, तो हम लोगों ने शुरू से किया। और लड़कियों के पढ़ाने का जो काम किया, कितना कम लड़की पढ़ती थी, कहां जाती थी, तो समूचा काम उसके पोशाक के लिए, साइकिल के लिए सब काम शुरू किया, कितना लड़कियों में उत्साह है। और अब तो समझ लीजिए कि मैट्रिक की परीक्षा में अब लड़का लड़की लगभग बराबर हो गए, तो ये स्थिति अब हो रहा है। और जो पूरा का पूरा, और अपने यहां का जो था प्रश्न था कितना ज्यादा था, अब धीरे धीरे जो लड़कियां पढ़ रही हैं तो सीधे 4.3 से घट के 2.9 पर आ गया। अब उसके बाद होता रहेगा तो तेजी से काम होगा, इसलिए महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका। तो अब जो सरकारी सेवाओं में भी महिलाएं आती हैं, तो सबसे कहेंगे कि किसी का इधर उधर बात मत सुनिएगा, बिल्कुल पूरे मजबूती के साथ काम करिएगा। और जितने हमारे युवक हैं वो भी हुए, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि देख लीजिए अच्छे ढंग से काम करिएगा। अभी कहा जा रहा कोई झूठ मूठ के पैसा देने की कोशिश करता है, इधर उधर से वो काम कभी मत करिएगा। सरकार पूरे तौर पर नौकरी दे रही है और देख रहे हैं कि हम लोग धीरे धीरे सबका तनख्वाह भी बढ़ाते हैं, तो अब जो मिल रहा है उसमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी तरह से इधर उधर का धंधा करें। अगर पूरे तौर पर और खूब अच्छे ढंग से काम करिएगा तो राजस्व और भूमि सुधार विभाग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां अगर सब कुछ ठीक ठाक से काम करिएगा तो विवाद ही खत्म हो जाएगा, झगड़ा नहीं होगा, बहुत अच्छे ढंग से समा जाएगा। इसलिए हम बराबर कहते रहे, और जब भी हम कहीं जाते हैं तब भी वहां कहते हैं कि देखिए आपस में इसका विवाद नहीं होना चाहिए, जमीन वगैरह के विवाद के चक्कर में मत पड़िए। और फिर सर्वे सेटलमेंट हम करा ही रहे, और उसके लिए जब हो जाएगा तो बहुत नहीं होगा, तो हम सबसे कहेंगे आप लोगों को सेवाएं मिली, अब इस सेवा में पूरा काम करिएगा और खूब अच्छे ढंग से काम करिए, ताकि समाज में बहुत ही सुधार आएगा, बेहतर हो रहा है। हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो भाई हम लोग तो भाई प्रचार प्रसार वाले नहीं,
अब हम लोगों के पास तो बिना मतलब का नहीं है, कहीं कहीं से कहां से लाते हैं, प्रचार प्रसार में लोगों को कैसे नियंत्रित आजकल किए हुए हैं, किसी दूसरे का खबर नहीं छपता आजकल, बोलिए ना क्या क्या खबर छपते रहता है। अब आजकल तो टेलीविजनों का हाल है भाई, अब बोलिए ना साहब समाचार पत्रों का क्या हाल हो गया है। ठीक है, अरे पटना में तो मान लीजिए कोई खबर होती है तो यही पर आप लोग लगाए हुए, तब कुछ तो बना दीजिए, एक बार दिखा दीजिएगा, लेकिन बाकी टाइम कौन कौन लोग क्या बोलते रहते हैं उन्हीं का चलते रहता है। आप चीज हो रहा है, काम कर रहे हैं, कौन सा चीज है जिससे दिक्कत हो रही है, और हम तो आग्रह करेंगे कि कहीं कोई दिक्कत हो बताइए, कहीं कोई घटना घटती है और कितना तेजी से एक चीज पर काम होता है।